दोस्तों आप देख सकते हैं ये मेरा यूज़र है जो कि अभी लॉगिन है। तो हमें क्या है, मैं यहाँ पे जैसे ओपन करूँगा स्पेस बार दबाने से मेरा ओपन हो जाएगा और ये डायरेक्ट ओपन हो गया। ये जो जैसे ही कंप्यूटर ऑन होता है ये यूज़र पे आके अटक जाता है, इसको हम लोग इसको रिमूव करेंगे यानी कि बाईपास करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा, आप देख रहे हैं टेक यूट्यूबर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखेंगे, हम लोग डिसेबल करेंगे विंडोज लॉगिन स्क्रीन को। अगर आप लॉगिन में पासवर्ड नहीं दिए हैं अपना यूजर के अंदर, तो आपका विंडो जैसे ही आप ओपन करते हैं या फिर सिस्टम को स्टार्ट करते हैं तो वो क्या होता है, ऑटोमेटिक ऑन होने के बाद यूजर पे आके अटक जाता है या फिर तो यूजर स्क्रीन पे आके वो रुक जाता है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कैसे हम उसको डिसेबल करेंगे ताकि वो चीज़ आएगा नहीं, क्योंकि हम पासवर्ड दिए नहीं। सबसे पहले हमें क्या करना है, विंडो की प्लस आर की के ऊपर प्रेस कर देना है और हम यहाँ पे रजिस्ट्री एडिट के ऊपर टाइप करेंगे। रजिस्ट्री एडिट जैसे आप यहाँ पे टाइप करेंगे वो, उसके बाद हमें यहाँ पे ओके करना है। इसे हम ओके करेंगे, इसको यस करेंगे अगर आपका ऑप्शन है पूछेगा। हमें सबसे पहले जाना है एच की लोकल मशीन। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें यहाँ पे एच की क्लासिक क्लासेस रूट है, करंट यूजर है, लोकल मशीन है। तो हमें इसी लोकल मशीन में जाना है और इसको एक्सप्लोर करना है। जैसे हम इसको एक्सप्लोर करेंगे हमें यहाँ पे सॉफ्टवेयर में जाना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं सॉफ्टवेयर है, तो हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर के ऊपर क्लिक कर लेते हैं और सॉफ्टवेयर में जैसे ही आएंगे यहाँ पे लंबा सा खुलेगा, तो इसमें हमें पॉलिसीज में जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉलिसी करके है, तो हमें यहाँ पॉलिसी के ऊपर जाना है। फिर उसके बाद हमें माइक्रोसॉफ्ट को एक्सप्लोर करना है। माइक्रोसॉफ्ट के बाद फिर हम विंडोज में जाएंगे और विंडोज, जैसे हम विंडोज में जाएंगे यहाँ पे पर्सनलाइजेशन देखना है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना है विंडो के अंदर पर्सनलाइजेशन है कि नहीं है। अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, विंडो के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद हम न्यू पे जाएंगे। न्यू की आप यहाँ पे देख सकते हैं न्यू की करके आ चुका है, तो हम इसका नाम टाइप करेंगे। जैसे हम पर्सनलाइजेशन टाइप कर दिए हैं वैसे हम इसको एंटर करेंगे। पर्सनलाइजेशन तो आप दोस्तों देख सकते हैं इसका स्पेलिंग वैसे ही लिखना है और यहाँ पे डिफॉल्ट करके खुला रहेगा। हमें क्या करना है, इसका ऊपर राइट क्लिक करना है, आउटर साइड में इस एरिया में हमें करना है, इस एरिया में नहीं करना है, इसका ऊपर राइट क्लिक करना है। न्यू में जाने के बाद डी वर्ड 32 बिट वैल्यू, इसका ऊपर हमें क्लिक करना है। और जैसे हम इसका ऊपर क्लिक करेंगे इसका नाम देंगे नो लॉक स्क्रीन। हम यहाँ पर जैसे ही लिख रहे हैं आपको वैसे ही लिखना पड़ेगा, नो लॉक स्क्रीन, और हम इसको एंटर करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं इसका वैल्यू अभी फिलहाल के लिए 0 है। हम इसको डबल क्लिक करेंगे और ओपन करेंगे, वैल्यू ये वैल्यू यहाँ पे जो सिस्टम का चलता है 0 और 1, ये बाइनरी कोड के ऊपर चलता है। तो हमें यहाँ पे 0 यानी के नो, 1 यानी के यस। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 देंगे और इसको ओके कर देंगे। जैसे हम इसको ओके करेंगे यानी कि इसका वैल्यू हम सेट कर दिए हैं, अब क्या होगा, हम लोगों का स्क्रीन जो है जैसे सिस्टम को हम रिस्टार्ट करेंगे वैसे ही वो जो मेरा जो लॉगिन स्क्रीन का है वो और दिखाएगा नहीं, वो डायरेक्ट विंडो खुल जाएगा। तो ये चीज को हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं और इसको यहाँ पे फिर से क्लोज करेंगे, फिर हम सिस्टम को रिस्टार्ट करके देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी चल चुका है, अभी जो मेरा यूजर है डायरेक्ट वेलकम पे आ चुका है और हमें यहाँ पे देखना है अभी कि वो स्क्रीन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा जो लॉगिन स्क्रीन का पहले था वो और दिखा नहीं रहा है क्योंकि हम लोग डिसेबल कर दिए हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन पे राय जरूर दीजिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।